स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो सीबीटी के एग्जाम्स चल रहे हैं उनके नेक्स्ट जो बैचेज हैं उनका भी रोल नंबर जारी कर दिया गया है और डेट भी जारी कर दी गई है। अभी आपको पता है कि अभी एग्जामिनेशंस 9 सितंबर तक चल रहे थे, लेकिन अब जो डेट है आगे जो परीक्षाएं होनी है उसकी भी डेट आ गई है, और वो है 13 सितंबर से 15 सितंबर तक। और ये जो स्लॉट है 13 से 15 सितंबर का, इसमें लगभग 39,500 समथिंग बच्चे हैं, और रफ फिगर में आप 40,000 बच्चों का बोल सकते हैं। और इस लिस्ट में भी अलग अलग स्टेट का जारी किया गया है, आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे धनबाद है और उत्तर प्रदेश का भी है, रांची का है, उसके अलावा वेस्ट मतलब साउथ वगैरह के कुछ जगह हैं जिनका थोड़ा अजीब अजीब नाम है, और मतलब ऑल इंडिया एग्जाम है। जैसे इसके पहले वाला जो बैच था उसमें 70,000 बच्चों का लगभग एग्जाम था, इस बार अप्रॉक्स देखिए सब रांची का है, कोलकाता का है, और इसी तरह से अलग अलग। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, यही है आपका जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, और ये देखिए इधर आपका स्टेट है, किस स्टेट में सब परीक्षाएं हो रही है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और अलग अलग है स्टेट्स। और ऐसे में क्या है कि आप अपना एडमिट कार्ड चेक करते रहिए, ठीक है, कि स्लॉट में आपका है कि नहीं, या फिर आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस लिस्ट को ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दूं, इसमें रोल नंबर भी है कैंडिडेट का। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, नई अपडेट नवीनतम खबर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एडमिट कार्ड और ऐसे जितनी भी इंफॉर्मेशन आईटीआई की आती है वो इसी कॉलम में अपलोड की जाती है, नई अपडेट में नवीनतम खबर। तो ये चीज़ है। अब जैसे इसमें क्या क्या दे रखा होता है, यहाँ पर दे रखा है कॉलेज का कोड, सेंटर कोड, उसके बाद ये झारखंड स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये कैंडिडेट का रोल नंबर है, ये उसकी ट्रेड है, ये उसका डेट है और टाइम है, जैसे 13 सितंबर को है 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, और ये सेंटर है जहाँ पर परीक्षा होना है। तो इस तरह से है, लंबी लिस्ट है, अगर मैं इसको पूरा दिखाऊंगा तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं झारखंड के काफ़ी मतलब डिस्ट्रिक्ट का है, रांची का है, बोकारो का है, इसी तरह चलिए उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली में भी है, दिल्ली ईस्ट वेस्ट न्यू दिल्ली, ठीक है, गुजरात, एक बार मैं रफली ऐसे ही जल्दी जल्दी बता देता हूँ कुछ स्टेट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, उसके बाद राजस्थान में अजमेर का है, उत्तर प्रदेश में आगरा डिस्ट्रिक्ट का है, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, इंदौर है, सागर है, भोपाल है, इस तरह से अलग अलग। यूपी में इलाहाबाद का भी था, बिहार का आ गया भागलपुर, उसके बाद उत्तराखंड में देहरादून का है, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर का है, गाजियाबाद का है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का है, उत्तर प्रदेश में इन सब जिलों में बच्चों की परीक्षाएं, उत्तराखंड में है, हरिद्वार है, कानपुर का है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, तेलंगाना है, बिहार मुजफ्फरनगर है। तो खैर ये लंबी लिस्ट है, मैं लिस्ट को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, नीचे आप देख पाएंगे, देखिए 39,500 समथिंग है ना, ये लास्ट यहाँ पर दिखा रहा है, तो अप्रॉक्स आप 40,000 कह सकते हैं कि 40,000 बच्चों का अप्रॉक्स जो है एग्जाम अभी इस वाले जो दो डेट है ना 13 से 15 की इस बीच होने वाली। एक चीज़ और बता दो कि इस समय आईटीआई एग्जाम को लेकर काफ़ी अपडेट्स है, जैसे कि जो बैक पेपर परीक्षाएं हैं सेमेस्टर की थ्योरी प्रैक्टिकल उनका 13 सितंबर से ही शुरू हो रहा है, उसके अलावा अक्टूबर में शुरू हो रहा है आपका सेमेस्टर वाले बच्चों के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, उसका भी टाइम टेबल आ गया है, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा इससे कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ऐसे में जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं जो लोग इनएक्टिव है मतलब कॉलेज से टच में नहीं है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो ऐसे लोग अपने दोस्त दोस्त के टच में रहिए, कॉन्टेक्ट में रहिए, जैसे वो अपने कॉलेज जाते हैं पता करते हैं तो आपको भी जानकारी मिल सके। मतलब इस समय आईटीआई में बहुत सी एक्टिविटीज चल रही हैं, बहुत से एग्जामिनेशंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जैसे आपके बैक वगैरह के या इस तरह के, उसके अलावा ये जो है अलॉटमेंट भी हो रहे हैं सेंटर्स के। हालांकि परीक्षा की गति उतनी संतोषजनक नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए, थोड़ा और फास्ट होना चाहिए एग्जाम, अब देखिए क्या पता कब तक ये सुधार होता है। फिलहाल जिन बच्चों का है भाई उन सभी को ऑल द बेस्ट, और ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, आप लोग पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोर्स में जाइए, आपको जिस कोर्स में टेस्ट देना है उस जैसे एम्प्लॉयबिलिटी में देना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में देना है, उस पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन है, पूरा सेट है अच्छे से, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ रिजल्ट देख सकते हैं,
कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ हिस्ट्री मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ है आपके अपनी वेबसाइट पर, उसको जरूर चेक कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। और मैंने देखा हूँ जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनका अच्छा एग्जाम जा रहा है, बाकी जो पढ़ेगा नहीं तो उसको भाई बहुत दिक्कत होगी। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।